वहीं सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T-84 है जिंदा। जी हां, वन विभाग की टीम को तीन शावों को के साथ ये नजर आई है T-84। वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। इससे पहले बाघिन T-84 एरो हेड को लेकर पिछले कुछ दिनों से अफवाहें चल रही थी। सच बेधड़क वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन अब ये जो वीडियो सामने आया है ये बता रहा है कि जो बाघिन T-84 है ये जिंदा है। वन विभाग की टीम को तीन शावकों के साथ ये बाघिन नजर आई है और अब इस बाघिन का अपने तीन शावकों के साथ वीडियो भी सामने आया है। तो ये वीडियो आप देखिए, T-84 बाघिन ये जिंदा है। लंबे वक्त से ना दिखने की वजह से कई बार जानवरों को लेकर वन विभाग कयास लगाता है कि जानवर सर्वाइव कर रहा है या फिर क्यों विलुप्त हो गया है। इस तरह के लगातार ऑपरेशंस चलते भी रहते हैं। तो अभी फिलहाल ये अच्छी खबर है कि T-84 बाघिन जिंदा है और अपने तीन शावकों के साथ उसका जो वीडियो है वो भी सामने आया है। वन विभाग की टीम को तीन शावकों के साथ T-84 बाघिन नजर आई है। हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए इस खबर पर। प्रमोद, ये जो वीडियो है ये वीडियो कहीं ना कहीं राहत भरा वीडियो है वन विभाग के लिए। T-84 बाघिन जिंदा है, अपने तीन शावकों के साथ नजर आई। बिल्कुल सही है, सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघिन T-84 जिंदा है, इस तरह का ये वीडियो वायरल हो रहा है और वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये काफी राहत वाली खबर है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बाघिन T-84 अपने तीन शावकों के साथ घूमती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो पहले अफवाह चल रही थी उस पर विराम लगना चाहिए, लेकिन सच में धड़क वीडियो की पुष्टि इसलिए नहीं करता है क्योंकि पहले ये बताया गया था कि बाघिन T-84 एक्सपायर हो गई है, मौत के घाट उतार दी गई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। वन विभाग और वन जीव प्रेमियों के लिए राहत वाली खबर कही जा सकती है। नंदनी, चलिए शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस तरह की खबरें चली थी कि बाघिन T-84 का निधन हो चुका है, लेकिन अब जो वीडियो सामने आ रहा है उसके मुताबिक बाघिन T-84 जिंदा है और अपने तीन शावकों के साथ उसकी मूवमेंट जो है कैप्चर हुई है।